हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। गुरु ज्ञान फॉर सीए इंटर एग्जाम्स चल रहा है एंड गुरु ज्ञान की इस सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट वीडियो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, ग्रुप वन अकाउंट्स का पेपर पैटर्न एंड किस तरीके से आपको ग्रुप वन अकाउंट्स के पेपर को सॉल्व करना चाहिए सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द फुल पेपर एंड गेट मोर एंड मोर मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का पेपर क्यों होता है आपके पूरे एग्जाम्स में? नंबर वन, ये आपका पहला पेपर होता है। नंबर टू, इससे आपकी सबसे ज्यादा उम्मीद होती है और आप ये सोचते हो कि इस पेपर में अगर मैं 70, 75, 80 मार्क्स उठा पाया तो मैं ग्रुप के टोटल को अच्छे से इंक्रीज कर पाऊंगा, कहीं पे भी ऐसा चांस नहीं रहेगा कि मैं ग्रुप के टोटल में फेल हो जाऊं। नंबर थ्री, ये अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा इन टच आप इसी सब्जेक्ट के साथ होते हो, तो इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इस पेपर को प्रॉपरली प्लान करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रुप वन अकाउंट्स का जो पेपर आपका आता है उसका टेंटेटिव पेपर पैटर्न फ्रॉम पास्ट एग्जाम के एक्सपीरियंसेस, पास्ट एग्जाम के पेपर पैटर्न्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर वन में चार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। आपके टर्म के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है मैंने आपको बता दिया है, नहीं देखा है तो इसी चैनल में दूसरे वीडियोस में होगा, देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियोस रेगुलरली आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम क्रैक करने में। क्वेश्चन नंबर टू में आता है जनरली इंश्योरेंस क्लेम एंड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम एंड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री में आता है ब्रांच डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री, ब्रांच डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री। तीनों नहीं आएगा, तीन में कोई दो आएगा, 10-10 मार्क का क्वेश्चन जनरली आता है। क्वेश्चन फोर पूरा कंपनी अकाउंट से बनेगा, या तो एक क्वेश्चन 20 मार्क का या 15 और 5 मार्क के दो क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन फोर रहता है पूरा कंपनी अकाउंट्स। क्वेश्चन फाइव में एक क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से देता है और एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से देता है, लाइक हायर परचेज दे दिया, कभी इन्वेस्टमेंट यहां पर डाल दिया, इस तरीके से एक क्वेश्चन देता है आपको अदर चैप्टर से, एक क्वेश्चन देता है आपको कंपनी अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कंपनी अकाउंट्स के छोटे छोटे जो चैप्टर्स है, मैनेजरियल रेमुनरेशन, प्री एंड पोस्ट, बोनस इश्यू, प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन, अगर वो पहले नहीं दिया तो यहां पर आपको दे देगा, वो छोटे छोटे चैप्टर से क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन सिक्स में दिखाई देंगे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिखाई दे सकता है एंड हायर परचेज वाला चैप्टर से एक 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन उठा के, या कोई भी चैप्टर वो अदर चैप्टर से एक 5 मार्क का छोटा क्वेश्चन उठा के आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स में देता है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर बन के आता है जब आप ग्रुप वन अकाउंट्स का पेपर देखोगे पास्ट एग्जाम्स में। अगर यही टेंटेटिव पेपर आपके टर्म में आता है तो क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है एग्जाम के पेपर को अटेंड करने के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज माय स्ट्रेटजी, मैंने ये बच्चों को पास्ट में भी बताया है एंड उनके पेपर हैज बीन वेरी गुड, पेपर छूटता नहीं है, पेपर पूरा कंप्लीट कर पाते हैं और जो करते हैं वो 100% राइट भी हो पाता है बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर प्रॉपरली। सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन सारे ही बच्चों का फेवरेट चैप्टर रहता है, ये दो चैप्टर क्वेश्चन नंबर टू आप अटेम्प्ट करोगे। अनलेस आपको ऐसा लगे कि जो क्वेश्चन में पूछा मैंने कभी नहीं देखा है तो बात अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर टू विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम पेपर इन ग्रुप वन अकाउंट्स। क्वेश्चन टू के बाद आप जाओगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में, जहां छोटे छोटे कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहता है, छोटे छोटे 5-5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वो आप सेकेंड नंबर में करोगे क्वेश्चन सिक्स। अगर ये दो क्वेश्चन आपने टाइम से सल्टा दिया, 40 मार्क के क्वेश्चन के लिए यू हैव 72 मिनट्स, 40 × 1.8, अगर एक घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आपने ये सल्टा दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 और 5 में दोनों में कोई एक चूज कर सकते हो। 3 नंबर जिसमें सिर्फ चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, 5 में एक कंपनी अकाउंट्स और एक चैप्टर्स, इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन चूज कर सकते हो क्योंकि यहां पर 10-10 मार्क वाले क्वेश्चन रहते हैं, 10-10 मार्क वाले क्वेश्चन हमेशा पहले अटेम्प्ट करने बेटर है एज कंपेयर टू 20 मार्क्स का कोई सिंगल क्वेश्चन। 3 और 5 में एक अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला, और लास्ट क्वेश्चन जो भी आप चॉइस में लेते हो, 4 लेते हो या 3 और 5 में कोई एक जो बचा हुआ है वो लेते हो, वो जो भी चॉइस में लेते हो वो क्वेश्चन आपको एकदम लास्ट में करने का है। अगर आपका पहला दो क्वेश्चन करते करते बहुत ज्यादा टाइम लग गया, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 35-40 मिनट्स, तो इस समय टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको एएस वाला क्वेश्चन डाल देना चाहिए एंड ट्राई करो एएस में टू दी पॉइंट लिख के 20-25 मिनट्स में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, सो दैट जो पहले दो क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा लगा वो क्वेश्चन वन में आपका कम लग के एवरेज हो गया, अब आप बचे हुए दो क्वेश्चन में आप जाएंगे। बचे हुए दो क्वेश्चन में भी पहले 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, फिर वो बड़े 20 और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। एक चीज मैं हमेशा बताना चाहता हूं एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते समय,
नंबर वन, कभी भी सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, क्वेश्चन वन फिर टू फिर थ्री कभी जरूरी नहीं है। नंबर टू, कभी भी पहले 15-20 मार्क्स वाले बड़े क्वेश्चंस को मत उठाइए, उनको लास्ट की तरफ रखिए, पहले 5 मार्क्स वाले 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। जितना कम मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना कम ट्रिकी होगा, उतना ईजिली सॉल्व हो जाएगा, तो पहले उन क्वेश्चंस को रखिए। नंबर थ्री, स्पीड शुरू से लेकर लास्ट तक मेंटेन करें, हड़बड़ी ना मचाएं, शुरू से आप नॉर्मल स्पीड में लिखें, सो दैट आप क्वेश्चन को पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। बहुत सारे बच्चे, अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता रहेगा कि सर नॉर्मल टेस्ट में भी मैं 100 मार्क का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं, सर मेरा 90-95 का ही अटेम्प्ट हो पाता है। उन बच्चों को कभी भी 100 मार्क के अटेम्प्ट के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अपनी एक नॉर्मल स्पीड बनाओ, पूरे पेपर में यूज करो एंड ट्राई करो 90-95 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से आप सॉल्व करो। अगर कोई 5-10 मार्क छूट जाए तो उसमें डरने का भी बात नहीं है। इस तरीके से अगर आप ग्रुप वन अकाउंट्स के पेपर को अटेम्प्ट करते हो, मेरे हिसाब से आप 3 घंटे के प्रॉपर टाइम में पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पाओगे एंड यू विल बी स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क जो आप कर सकते थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।